नमस्कार, हमारी पाकशाला में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ भरवा हरी मिर्च। इसके लिए मैंने 10 पीस अचार वाली मोटी हरी मिर्च ली है। इन्हें अच्छी तरह धोकर सुखा लिया है। अब इसमें लंबाई में एक कट लगाकर इनके बीज निकाल लेते हैं। इस तरह सभी मिर्चों के बीज निकाल लेते हैं। सभी मिर्ची के बीज निकाल लिए हैं। अब भरावन के लिए मसाला तैयार करते हैं। मसाला बनाने के लिए मैंने 750 ग्राम आलू लिए हैं। इन्हें उबालकर छील लिया है। आलू को मैश कर लेते हैं। आलू अच्छी तरह मैश कर लिए हैं। अब मसाला बनाने के लिए एक पैन गर्म होने के लिए रख देते हैं और 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल देते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है। आधी छोटी चम्मच जीरा डाल देते हैं। 1 चम्मच कलौंजी डाल देते हैं। 1 चम्मच राई डाल देते हैं। 1 चम्मच सौंफ और 1 पिंच हींग डाल देते हैं। सब मसालों को अच्छी तरह फ्राई कर लेते हैं। अब इसमें 2 चम्मच दरदरी कूटी हुई राई और सौंफ डाल देते हैं। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच आमचूर पाउडर और नमक टेस्ट के अनुसार डाल देते हैं। अच्छी तरह मिक्स करते हुए मसालों को फ्राई कर लेते हैं। आधा चम्मच गरम मसाला डाल देते हैं। सभी मसालों को फ्राई करते वक्त फ्लेम लो ही रखें। अब इसमें मैश किए हुए आलू डाल देते हैं। अच्छी तरह मिक्स करते हुए आलू को 3 से 4 मिनट भून लेते हैं। इस तरह से तैयार मसाले की मिर्ची बहुत टेस्टी बनती है। मसाला तैयार होने पर एक बार मसाले को टेस्ट कर लें। यदि नमक और आमचूर पाउडर कम लगे तो और डाल दें। मसाला तैयार हो गया है। गैस ऑफ कर देते हैं और मसाला एक बॉल में ट्रांसफर कर लेते हैं। मसाले को ठंडा होने के लिए रख दें। मसाला ठंडा हो गया है। अब इस मसाले को हम मिर्ची में फिल कर लेते हैं। एक एक मिर्ची लें और सावधानी से इसमें अच्छी तरह से मसाला भर लें। मिर्ची टूटनी नहीं चाहिए। इस तरह सारी मिर्ची को भर लेते हैं। सभी मिर्ची में मसाला भर लिया है। इतना मसाला बच गया है। पैन गरम होने के लिए रख दिया है। अब इसमें 3 बड़े चम्मच ऑयल डाल देते हैं। ऑयल गरम हो चुका है। अब इसमें 1/4 छोटी चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच कलौंजी, 1/2 चम्मच राई, 1 चम्मच सौंफ डाल देते हैं। 1 पिंच हींग डाल देते हैं। 1 चम्मच सौंफ और राई का पाउडर डाल देते हैं। सभी मसाले फ्राई कर लेते हैं। फ्लेम लो ही रखें। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देते हैं। अब एक एक करके सभी मिर्च को पैन में आराम से रख देते हैं। मीडियम फ्लेम पर ढक्कन लगाकर 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अब चेक कर लेते हैं। अब इन्हें एक एक करके सावधानी से पलट लेते हैं। ध्यान रखें, मिर्ची टूटकर मसाला निकलना नहीं चाहिए। इस तरह पलटते हुए इन्हें हर तरफ से फ्राई कर लेते हैं। फिर से ढक्कन लगाकर छोड़ देते हैं।
हमारी मिर्ची फ्राई होकर तैयार हो गई है। गैस ऑफ कर देते हैं और मिर्ची को बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। गैस दोबारा ऑन करते हैं और इसी पैन में बचे हुए मसाले को डालकर अच्छी तरह फ्राई कर लेते हैं। मसाला फ्राई हो चुका है, इसे भी मिर्ची के साथ निकाल लेते हैं। हमारी भरवा मिर्ची बनकर तैयार है। इस तरह से आप भी बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। यदि मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।